नमस्कार, आप इस वक्त सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर, कैमरे के उस तरफ अंकित कुमार हैं। मैं इस वक्त ग्वालिसन गांव में मौजूद हूं। जो सरकार जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लगातार जो लेकर के हरियाणा में आई है, जिससे कि शिक्षकों का जो तबादला लगातार स्कूलों से किया जा रहा है, जिससे लगातार जो हरियाणा में है विरोध है पूरे गाँव में, जो शिक्षा की जो एक व्यवस्था होती है उसको जो है हिलाने का जो है काम किया है। लगातार स्कूलों से ट्रांसफ़र शिक्षकों के किए जा रहे हैं, जिससे कि एक एक शिक्षक जो है दो दो विषय तीन तीन विषय पढ़ाने को जो मजबूर है। ग्वालिसन गांव में भी जो ट्रांसफ़र के विरोध की पॉलिसी के लेकर के ग्रामीण आज धरने पर बैठे हैं। स्कूल की जो व्यवस्था आप देख सकते हैं, जो एक पेड़ों की छाव में कमरों से न लगकर एक स्कूल के जो है बरामदे में जो है छात्र बैठे हैं, और जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसके ऊपर जो है सवालिया निशान बैठता है। जो गांव के जो ग्रामीण हैं वे धरने पर बैठे हैं, पीछे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो बिना शिक्षक के अगर आप कोई लड़ाई लड़ते हैं तो बिना हथियारों के आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। वैसे ही जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, बिना शिक्षक के आप स्कूल को नहीं चला सकते, बिना शिक्षक के आप शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने आज जो है अनशन शुरू कर दिया है। मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं, तो ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, जो लगातार जो शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उससे जो शिक्षक हैं जो स्कूलों से हैं दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। स्कूल का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने, 2.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तैयार हुई, लेकिन आज चार स्टाफ टीचर नहीं, चार मैथ का कोई टीचर नहीं है, साइंस का कोई टीचर नहीं है, और कोई चपरासी नहीं है, स्वीपर नहीं है, बच्चे सफाई करते हैं, बच्चे हैं आप पूछ लेना। तो हमारी ये मांग है कि हमारे जो स्कूल में स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए, तब तक हम यहाँ शांति से बैठे हैं। स्कूल का वो आगे मेन गेट है, उसका हमने ताला लगा रखा है, वो स्टाफ सारा अंदर है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारा पूरा स्टाफ पूरा होना चाहिए, चपरासी नहीं है, बच्चे सफाई कर रहे हैं। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने पर ऐसे बैठे रहेंगे। मौके पर अधिकारी भी आए हुए हैं, तो क्या आश्वासन आपको मिल रहा है? क्या लगता है कि जो व्यवस्था जो पहले की तरह जो सुचारू रूप से जो है दोबारा से चलनी शुरू हो जाएगी? BO साहब आ रहे हैं, BO साहब आए हैं, ये कह रहे हैं 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, फिर अपने मुँह तो नहीं कहे मेरा हाथ में कौन ही, बहुत अच्छी बात, तेरे हाथ में कौन, जिसका हाथ में उसने लिया हो, कोई को जला का कोई अधिकारी तो होगा, आश्वासन देगा जब बता धरना पर तो लोग विश्वास तो दिलाओ, विश्वास नाम की चीज़ को नहीं। तो ये इतने बच्चे बैठे हैं, ये जब तक आज हमने धरना की शुरुआत पहला दिन है, कल बहुत बड़ा हमारा जो धरना बड़ा रूप लेगा और सभी ग्रामीण लेडीज जेंट्स यहाँ धरने पर बैठेंगे। उस दिन पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि जो आपके गांव में एक स्पेशल एक मुहिम चली थी कि जो प्राइवेट स्कूल में जो अपने जो अभिभावक जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सरकारी स्कूल में जो है एडमिशन कराएं, ताकि जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था भी जो है सुधरे। तो क्या लगता है जब सरकारी स्कूल में जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो अभिभावक क्या करेगा? पूरा गाँव देखो, खेड़ी गाँव और ग्वालिसन गाँव, 2 गाँव के बच्चे स्कूल में आते हैं, और पूरा गाँव, 1 साल तो स्कूल की बिल्डिंग तैयार होती तो चौपाड़ में स्कूल लग गया था, वहाँ गाँव इकट्ठा आता। लेकिन जब स्टाफ ने बताई, बच्चों ने बताई, अब चार टीचर नहीं हैं, एक आधा हो कम हो तो चलो 10 दिन में 15 दिन में आ जा। जब मेन सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं तो स्कूल में किस लिए आ रहे हैं बच्चे? माँ बाप क्यों भेजेगा बताओ कि ये बच्चे आव सुबह आव ना दो कहें कि एक नाम पढ़ है, स्कूल में कोई है नहीं, कौन पढ़ाऊगा? स्टाफ तो पूरा होना जरूरी है ना, स्टाफ नहीं होता बच्चे क्या करेंगे इधर आकर के? हमने खुद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है, तो इससे अच्छा इसको बंद ही कर दो, वो भी बढ़िया है, या फिर स्टाफ पूरा करो। और भी हैं तो क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? जी हम तो ये कहना चाहेंगे हमारा स्टाफ पूरा कर दो, बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाए, सुचारू रूप से पढ़ाई चल रही, चपरासी नहीं है, स्वीपर भी नहीं है, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है तो प्राइमरी स्कूल का भी टीचर पूरा करो। तो शिक्षकों को लेकर? हाँ, शिक्षकों को लेकर धरना जारी है। और भी ग्रामीणों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? कहाँ साहब, 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई थी, बिल्डिंग नहीं पड़ा हुआ, मास्टर तो सही है ना, बिल्डिंग की रही हमारी सरकार थी, अब हाजोड़ का पीर सब हमारा सेटअप पूरा कर दो, हम धरना राज्य को नहीं बैठे, धाड़ मजबूरी में बैठे हैं, घर से फीस दें तड़के बाड़क आ जाए, अरे इससे अच्छा तुम्हारी भैंस रहे वो अच्छे से, अरे कम से कम काम तो बटवाऊँ, उड़ा घर का भी काम नहीं करती, अरे मास्टर नहीं तो मैं हमारा सेटअप BO साहब से हाथ जोड़ गया, फिर से हमारा सेटअप भेज दे, हमने कोई चाह कोई नहीं अड बैठने का,
हम 18-20 साल पहले बैठ लिया रहे स्टाफ की, स्टाफ की कमी के कारण बच्चों जो है बार बार तंग फोन कर रहे हैं और बच्चे तंग पा रहे हैं। हमारे पास जिसकी सब्जेक्ट का टीचर नहीं, इसका नहीं है, मेरे स्टाफ की कमी पूरी कर दी जाए बस। नहीं न कह दी भाई मेरी। चलो, जो ग्रामीणों में खासा रोष है, बच्चों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन सी क्लास में हो बेटा? 12th क्लास में है। 12th क्लास में कौन सा टीचर आपका नहीं है? मैथ और साइंस के टीचर। कितने दिन से नहीं है टीचर? मैथ के तो अभी गए हैं और साइंस के 20-25 दिन से नहीं है। कोई दूसरा अध्यापक भी आपको पढ़ा रहा है या फिर क्लास ही नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं पढ़ा रहा है। क्लास ही नहीं लगा? नहीं। कौन कह रहा था, मैं बताऊंगा क्या नाम है? सर अनु। कौन सी क्लास में? सर 12th। कौन से जो अध्यापक हैं वो जो कितने दिन से लगातार ये चल रहा है जो आपको अध्यापक? सर 5 दिन से तो मैथ के टीचर गए हुए हैं और हमने मैथ लिया है। अब मैथ के हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं और जो साइंस के टीचर है वो 31 अगस्त को गए थे और अब तक कोई टीचर नहीं आया। और इन बच्चों की भी जो तैयारी है वो वहीं पे रुक रही है, वो खुद से तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बाकी टीचर जैसे तो कुछ होता ही नहीं ना। बोर्ड का एग्जाम होता है 12वीं में तो और भी ज्यादा टफ होता है। यस सर, 10th और 12th को तो दिक्कत है ही ज्यादा, और हमने मैथ ले रखा है तो और भी ज्यादा दिक्कत है। पीछे कुछ और भी क्लास वाले बैठे हैं तो आपके टीचर्स नहीं है तो धरने पर बैठे हो, क्या कहना चाहें? कितने दिन से टीचर नहीं? 6-5 साल हो गए यहाँ पर टीचर। टीचर पूरे? हाँ। कौन सी क्लास में? वो 12th में। 12th में तो मैथ का और साइंस का टीचर? हाँ, मैथ और साइंस। सिलेबस को कैसे कवर कर पाते हैं अब? मैथ का टीचर उसकी बदली होगी, एक महीना हमारा टीचर की तो बदली होते हुए, तब कोई टीचर नहीं है मैथ का। हम अपने खुद ही तैयारी करा जिसकी खुद ही तैयारी। हाँ, ट्यूशन वगैरह? ट्यूशन तो नहीं लेते अभी, पहले टीचर पे ही डिपेंड थे। अब ट्रांसफर होने के बाद जो है सिलेबस पूरा नहीं है, साइंस की छूट ही नहीं है। 9th से लेकर 12th में तो साइंस और मैथ के स्टूडेंट नहीं है। नीचे क्लास में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी स्टूडेंट नहीं है। हमारा जो पहला स्टाफ था ना वही मतलब हमें मतलब पूरे स्कूल को संभाल कर रखा था, एक मैडम थी उन्होंने और हमें अच्छे से पढ़ाती, पर ये स्टाफ आने के बाद ना हम बिल्कुल भी नहीं तो पढ़ पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं मतलब सरकार ने कर रखा कि बच्चों के लिए खेलने का भी पीरियड होता है, खेलने के पीरियड में भी ना सर ऐसे कहते हैं बाहर खेलने जाओगे तुम्हारी SLC पकड़ा देंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे, लाल पेन से ऐसे कर देंगे। तो कई बच्चों की शिकायत, कई बच्चों के तो बिना बात के पिटा हुआ है सब बच्चों को, तो कई हाँ कई बच्चों को तो पिटाई भी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सरकार से हमारे मांग करना चाहेंगे? जो नए टीचर हैं या स्टाफ के पूरे चेंज की क्या कहेंगे? स्टाफ हमें माम यही कहना चाहते, जो पहले स्टाफ था ना हमारा स्टाफ तो वही अच्छा था। सबसे पहले तो हमारी एक मैडम थी प्रिंसिपल पूनम मैडम, वही पूरे स्कूल को संभाल रखा था उन्होंने अकेली मैडम ने बिल्कुल। और अब जो ये स्टाफ आया ना बिल्कुल हमें इस स्टाफ से कुछ नहीं, हम पसंद नहीं हमें ये स्टाफ बिल्कुल भी नहीं। ये पूरे स्कूल का जो के जो छात्र हैं छात्राएं हैं पूरे ग्रामीण जो हैं इस धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बिल्डिंग दिखा देता हूं, जो ग्रामीणों का कहना है कि जो 2.5 करोड़ के लागत से जो सरकार के द्वारा जो ये बिल्डिंग बनवाई गई थी, लेकिन जब स्टाफ ही स्कूल में नहीं है तो अध्यापक एक मुख्य जो कड़ी होता है जो शिक्षा व्यवस्था को जो छात्रों तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन जब शिक्षक ही स्कूल में नहीं होगा, कई विद्यार्थी जो 12th क्लास के हैं जिन्होंने साइंस ली है साइंस का अध्यापक नहीं है, मैथ का अध्यापक नहीं है, तो कैसे एक 12वीं क्लास की जो है एक बोर्ड की परीक्षा होती है जिसमें सिलेबस करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो अध्यापक ही नहीं है ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा ताला लगाने के अलावा कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं बचा है। स्कूल जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बाहर लगा हुआ है मेन गेट पर जो है ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया है, मौके पर अधिकारी भी मौजूद हैं, वे आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हमें आश्वासन नहीं चलेगा, हमें अध्यापक हमारे ला करके दे दीजिए और हमारी जो पहले बच्चों की सुचारू रूप से जो व्यवस्था शिक्षा की चली हुई थी दोबारा से उसी सुचारू रूप से जो व्यवस्था वो है जो चलनी चाहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया।